और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से। लखनऊ से खबर है, योगी कैबिनेट से 7 प्रस्ताव पास हुए हैं। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए 7 प्रस्ताव पास किए गए। तो कई नगर पंचायतों की सीमा विस्तार को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही साथ जो 7 फैसले लिए गए हैं काफी महत्वपूर्ण हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, योगी कैबिनेट से 7 प्रस्ताव पास हुए हैं। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए 7 प्रस्ताव पास हुए हैं। कई नगर पंचायतों की सीमा विस्तार को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। देशभर में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। इस बीच पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार बड़ा दांव चलने की तैयारी। माना यह जा रहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार यूपी से ही पीएम मोदी को चैलेंज कर सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से नीतीश कुमार 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इन कयासों को लेकर जब जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष ललन कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यूपी की जनता भी नीतीश कुमार को लेकर भावुक है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर अखिलेश और नीतीश मिल जाएंगे तो यूपी में भाजपा 65 सीटों के बजाय सिर्फ 20 सीटों तक सिमट सकती है। तो फूलपुर सीट चुना है, आपको बता दें बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर सीट से ही चुने गए थे और सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक फूलपुर सीट मानी जाती है देश में। आपको लगता है कि यूपी बिहार इन सबों को जो आप एक करने की बात कर रहे हैं, 40 सीट घटाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में वह क्षेत्र जो है वो मुफीद होगा? नहीं नहीं, मुफीद हूँ। यहाँ बिहार में 40 सीट में कौन सा सीट है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए मुफीद नहीं है? तो इसलिए ये बात नहीं है। हाँ, उत्तर तो प्रदेश के लोगों की भावना होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ से लड़े, तो ये भावना लोग व्यक्त कर रहे हैं और हम लोगों को इस बात का गर्व हो रहा है कि हमारे नेता के लिए उत्तर प्रदेश के लोग भी भावुक हैं और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से चुनाव। ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पर बड़े ज़ोर से नारा लग रहा है और वो ये है कि एक तरफ अखिलेश दूसरी तरफ नीतीश कुमार, दोनों की तस्वीरें साथ चल रही हैं और नारे लग रहे हैं कि दोनों साथ आ जाएंगे तो उखाड़ फेंकेंगे। एक चीज़ बता देते हैं, अगला लोकसभा के चुनाव नीतीश जी और अखिलेश वो दोनों उत्तर प्रदेश में अगर मिल जाएंगे और मिल के कंपेन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आज 65 पर है, वहाँ 20 पर पहुंच जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।